कभी अकबर की जोधा कभी पटियाला बेब की बेब, मिलिए परिधि शर्मा से जो एक लंबे समय के बाद एक नए मॉडर्न अवतार में नजर आ रही है। कभी जोधा अकबर की जोधा बन रही हैं, कभी इस काली साड़ी में अपने काले नैनों का जादू दिखा रही हैं, पीच मॉडर्न ड्रेस में अपना स्वैग दिखा रही हैं, कभी बोल्ड अंदाज में पेश कर रही हैं अपनी वर्सटैलिटी। भाई कलाकार एक लेकिन रूप अनेक, ऐसे ही कुछ रंग दिखा रही हैं परिधि शर्मा यानी सीरियल जोधा अकबर की जोधा, जो आज करा रही हैं अपना फोटोशूट। मुंबई के मशहूर स्टाइलिस्ट मोहित कपूर ने उनको दिए हैं चार चार नए लुक्स, जहां पर उन्होंने डिजाइनर समायरा खान के कई कपड़े पहने जो उनके कैजुअल और वर्सटाइल लुक्स को दिखाता है। लेकिन इन सब के बीच में अपनी फेवरेट इंडियन ड्रेस उन्होंने पहनी है और बिल्कुल जोधा जैसी लग रही है। ये ड्रेस है फ्रंटियर फगवाड़ा की। मनोज अपने कैमरे से कैद कर रहे हैं उनकी तस्वीरें और सलीम उनको दे रहे हैं अलग अलग लुक्स। तो चलिए देखते हैं परिधि शर्मा की 2.0 लुक्स इस खास फोटोशूट के नज़ारे के साथ। भाई कहते हैं कि ब्लैक ऑप्टिमम कलर होता है और अपना पहला लुक उन्होंने लिया इस ब्लैक साड़ी से जो डिजाइन की है समायरा काजी ने। भाई इस लुक को पाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट सलीम उनका खास तरीका मेकअप कर रहे हैं और मोहित कपूर कर रहे हैं उनकी स्टाइलिंग। फाइनली रेडी वेडी होकर परिधि तैयार है मनोज के कैमरे को फेस करने के लिए और उन्होंने इस साड़ी में दिए अलग अलग लुक्स और लुक्स के बाद बनाई रील। तो चलिए मिलते हैं एक नई परिधि शर्मा से। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकलेगा वाओ और आप पहचान नहीं पाएंगे। प्रेजेंटिंग ऑल न्यू परिधि शर्मा 2.223। परिधि लुकिंग सो नाइस एंड ये अचानक ये रूप हमने आज तक किसी शो में नहीं देखा, चाहे जोधा अकबर हो पटियाला बेब हो, लेकिन आज अब रियली बेब बन गई हैं। तो ये मेकओवर कैसे हुआ और इतने दिन कहाँ थी आप? नहीं मैं यहाँ पर ही हूँ और थैंक यू। सबसे पहले तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक मोहित कपूर जी जिन्होंने मुझे बहुत ही शानदार डिज़ाइनर साड़ी दी है जिसकी वजह से ये मेकओवर हुआ है। और ऑफ कोर्स आई एम मतलब फॉर मेनी पीपल इट वुड बी सरप्राइजिंग लाइक की लुकिंग लाइक सीइंग मी इन दिस लुक। सो या आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी चेंजेस और थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग। तो ये बताएं कि साड़ी जो होती है अल्टीमेट ड्रेस, मतलब लोग सब कहते हैं कि साड़ी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो आप कितनी कंफर्टेबल हैं एंड हाउ मच ऑफ साड़ी पर्सन आर यू?
Yeah, any time I'm a saree person, I really love wearing saree. और ये तो इंडियन लुक जो उसकी जो ब्यूटी है वो साड़ी में ही आती है और थैंकफुली माय लुक रियली कॉम्प्लीमेंट्स विद साड़ी सो एनी टाइम आई एम अ साड़ी पर्सन चाहता हूँ मोहित यहाँ पर आएँ और बताएं इस साड़ी के पीछे की कहानी क्या है तो मोहित ये जो साड़ी खूबसूरत से आप लाएँ थोड़ा बताएं कहाँ से आपने सोच की है एंड क्या सोचकर आपने परिधि के लुक्स डिज़ाइन किया बिकॉज वी नो हर एज द जोधा द मोस्ट ब्यूटीफुल हम कोई भी गले का हार होते थे कि जोधा वाला हार तो आज परिधि को आपने हार नहीं पहनाया तो वॉट इज द लुक फॉर हर थोड़ा सा यूनिक लुक करने की कोशिश की है आज हमने हमारी जोधा के साथ तो बहुत ही मॉडर्न वेस्टर्न साड़ी दिया हमने समायरा की बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है तो शी वॉज कल तक तो इनको शी वॉज नॉट श्योर कि क्या लुक आने वाले हैं शी वॉज वेटिंग फॉर द लुक्स बट जैसे ही हमने इनको लुक्स भेजे एंड शी वॉज लाइक वाओ लेट्स डू दैट और फिर ब्लैक ऑफकोर्स हम जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि साड़ी में तो हम इंडियन ब्यूटी ऑलवेज बहुत ही क्लासी और ग्लैमरस लगती हैं तो यू कैन सी ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी आउटफिट हमने आज इनको स्टाइल किया है जी आपका गहनों से खास कनेक्शन है जोधा के जो गहने थे वो आइकॉनिक बन गए अभी भी कोई गहने देखता है बड़े बड़े हाथ तो बोलते हैं जोधा वाले गहने सो कितने गहने वहाँ पहनकर अब गहनों से आप कितना प्रेम करती हैं और इतने गहने पहन लिए अभी भी आप प्रेम बचा है वो मतलब मैं रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर ज़्यादा नहीं करती हूँ बहुत सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ तो मैंने मोहित को ये कहा था कि जोधा का लुक तो सबने देखा है और जितने भी मैंने शोज़ किए हैं सबके अपने एक लुक्स होते हैं कैरेक्टर लुक्स मुझे परिधि का अब लुक चाहिए जो ऑफकोर्स बहुत थोड़ी सी मॉडर्न भी है और प्रोग्रेसिव भी है तो उस तरह का कुछ लुक देना तो थैंकफुली इन्होंने जो आप ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो नेक पीस भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है साड़ी को सो ऑफकोर्स इसमें एक हल्का सा मॉडर्न टच भी है और ट्रेडिशनल भी तो उसका बहुत अच्छा एक कॉम्बो है तो या आपके फैंस हमेशा जब से जोधा अकबर आया था हमेशा हमेशा टैग करते हैं उस ज़माने से तो हमेशा आपके नए शो का इंतज़ार रहता है तो क्या कहेंगे उन फैंस को अभी जल्द ही क्या तैयारी है कहाँ आप उनको दिखाने वाली हैं अपनी झलक बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए बहुत जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है अभी तो मैं कमिट नहीं कर सकती हूँ बट अभी तो एज इफ़ नाउ आज के दिन मैं इस शूट को इन्जॉय कर रही हूँ और जो डिफरेंट लुक्स जिसमें शायद आपने मुझे कभी नहीं देखा है वो आपको देखने को मिलेगा तो फिलहाल आई एम श्योर कि मेरे फैंस बहुत खुश होंगे मुझे इस डिफरेंट अवतार में देखकर ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि परिधि के और हम लुक्स लेकर हाजिर होंगे ये लुक है जिसने परिधि को जोधा बना दिया था और आज एक बार फिर से नथ पहनकर इस फ्रंट या फगवाड़ा की ड्रेस पहनकर आज वो बन गई हैं जोधा और देखिए बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने अपने पिक्चर्स खिंचवाए और साथ साथ कुछ रील्स भी बनाई
भाई परिधि शर्मा का ये लुक कभी उनके सीरियल में नहीं दिखा गया। ये है थोड़ा बोल्ड और स्टाइलिश इस स्पगेटी ड्रेस के साथ ये रंग बिरंगी स्कर्ट। और देखिए कैसे डांस करते हुए वो पोज कर रही हैं। वैसे डांसिंग के साथ परिधि का पुराना नाता है और उन्होंने इस मौके पर हमारे कैमरे पर अपने डांस मूव्स दिखाए। वैसे परिधि को इंडियन पहनना बहुत पसंद है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने ये अपना अलग वर्सटाइल लुक दिखाया और साथ साथ इस शूट के पीछे टीम से भी मिलवाया। बहुत ही फ्री है और गर्लिश सा लुक है जो शायद आज तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं आई हैव नेवर यू नो कुड वेयर सच काइंड ऑफ आउटफिट्स। सो आई एम थरली एंजॉयिंग इन माय ओन स्पेस बिकॉज जब भी हम कैरेक्टर का शूट करते हैं तो उस कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्ट करना रहता है। बट टुडे आई वॉज एक्चुअली डांसिंग ऑल द टाइम वाइल शूटिंग क्योंकि यही मैं रियल में हूँ। अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ डांसिंग। आई एम बिग टाइम नेचर लवर और या सो माई स्कर्ट इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग इट। और मैं मोहित जी को बुलाना चाहूँगी, मोहित कपूर जिन्होंने ये ड्रेस डिज़ाइन की है। इनको जैसे आपने पहले बताया कि हमने इन्हें बहुत सारी लुक्स में देखा है, ऑलवेज शी कैरी लॉट ऑफ ज्वेलरी हैवी लहंगाज एंड ऑल, बट दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आई थिंक शी इज चूजिंग फॉर फर्स्ट टाइम। एंड ऑफकोर्स पेस्टल कलर है, गर्मी को ध्यान रखते हुए हमने ये लुक को थोड़ा सा क्रिएट किया। वाइट कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर यूज़ किया है, ग्रीनरी को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज दे रहे हैं एनवायरमेंट में कि गो ग्रीन, इंडिया को क्लीन एंड ग्रीन रखते हैं। यस, तो दिस वॉज ऑल थिंग्स इन माई माइंड। मैं बुलाना चाहूँगा अभी हमारे आज के फोटोग्राफर हैं मिस्टर मनोज जैन, जिन्होंने ये शूट को कवर किया है, तो वो बताएंगे कि आज कैसे कैसे उन्होंने क्लिक्स लिया। मैं और मोहित जब भी कुछ करते हैं आई थिंक सर नया ही होता है, आज भी फिर से कुछ नया ही किया हम लोगों ने। और आई थिंक फर्स्ट टाइम लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इनको टीवी में देखा हुआ होगा तो अभी सामने इट्स लाइक के चलो आज जो भी शूट हो रहा है इट्स समथिंग कुछ नया और अच्छा ही हो रहा है। जो भी है जो हिसाब से उनको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं कि कैसे पोज करना, खुद ही कर रहे हैं, मैं खुद क्लिक कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे अदरवाइज क्या कितने सबको समझाना पड़ता नहीं तो कि आप ऐसे करो ऐसे करो, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, मेरा कैमरा ऐसे ही चल रहा है। वो लुक को नहीं भेजेंगे जिन्होंने आज के प्यारा मेकअप किया है। सलीम सलीम आ जाइए आप भी फ्रेम में। हमने देखे जनरली के शी इज़ वेरी लुक्स अ वेरी ट्रेडिशनल, लेकिन देखा जाए शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल, हर फेस इज़ वर्सटाइल, यू नो जिस तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं वर्सटाइल है। तो हम लोग ने सोचा कि यू नो लेट्स ट्राई समथिंग मोर मॉडर्न than just keeping it lehenga and all. Of course वो करेंगे हम, लेकिन हम लोग ने सोचा let's try something different hair style में, makeup में, keeping it more tropical like आप देख रहे हैं। So yeah. भाई उनके सीरियल का नाम था पटियाला बेब, लेकिन रियल लाइफ में वो बेब भी बन सकती हैं और जोधा भी, और कुछ इस लुक में उनका ये बेब वाला लुक नजर आया। कुल मिलाकर परिधि ने इस फोटोशूट में अपनी वर्सटाइल एक्ट्रेस होने का परिचय दिया, फिर चाहे वो इंडियन ड्रेस हो या फिर हो
मॉडर्न ड्रेस। परिधि ने हर लुक को कैरी किया। वैसे जल्द ही परिधि टेलीविजन पर कम बैक करेंगी और एक नए अंदाज में अपने फैंस को एंटरटेन करेंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।